नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की कार्रवाई खत्म हो गई है। हरियाणा के राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई और अगले दो दिन तक सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने वाली है। वहीं हरियाणा विधानसभा का ये बजट सत्र दो चरणों में चलने वाला है। पहला चरण 23 फरवरी तक चलेगा, वहीं दूसरा चरण 17 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा। लोकसभा की तर्ज पर ही हरियाणा विधानसभा का ये बजट सत्र 24 फरवरी से 16 मार्च तक सत्र अवकाश रहने वाला है और इस दौरान विधानसभा की विशेष कमेटियां बजट प्रस्ताव को लेकर अध्ययन करेंगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री 23 फरवरी को हरियाणा का बजट पेश करेंगे, जबकि 21 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पर अपना जवाब देंगे। विधानसभा के पिछले 17 साल के बाद आज इस सत्र के शुरू होने के बीच में बहुत से हमारे बंधु जो हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उन सब की याद में शोक प्रस्ताव पढ़ रहा हूं। शोक प्रस्ताव क्रमांक एक, यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री जगदीश नेहरा के 18 जनवरी 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जुलाई 1939 को हुआ। वे वर्ष 1982 तथा 1991 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1982 से 87 के दौरान राज्य मंत्री तथा 1991 और 96 के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए शिक्षा, भाषा, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, संसदीय मामले, खेल तथा पशुपालन एवं डेयरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। उनकी सामाजिक और धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य ने एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव दो, ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री वेदपाल के 16 जनवरी 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदना प्रकट की है, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और अपनी तरफ से शोक व्यक्त करता हूं। इसके अतिरिक्त अभी जो एक जानकारी मिली है, श्री नरेंद्र गुप्ता जी विधायक के पूज्य चाचा जी श्री सुरेश चंद्र गुप्ता जी का भी निधन इसी दौरान हुआ है, उनको भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल किया जाता है। मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान महात्माओं की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें। वहीं बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में हमारे महान राष्ट्र के अमृतकाल में हरियाणा विधानसभा का ये पहला सत्र है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार की दूरदर्शिता और प्रदेश के हर नागरिक के प्रयास 25 साल के अमृतकाल में भारत को विश्व का सिरमौर बनाने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर देश और प्रदेश को गर्व है। राज्यपाल ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी महान विरासत को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार विदेश मंत्रालय, G20 सचिवालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित कर रही है और सरकार भूकंप प्रभावित तुर्की को हर संभव आपदा मदद देने से वसुधैव कुटुंबकम की सोच और व्यापक हो जाती है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार का आगामी वर्ष में सभी सरकारी डाटाबेस और सरकारी योजनाओं को जोड़ने के लिए PPP के दायरे का और विस्तार करने का लक्ष्य है। इसके साथ साथ सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम भी कर रही है। वहीं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की कार्रवाई को लेकर शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण ने सरकार की रूपरेखा के बारे में अवगत करवाया है। मोदी सरकार का विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ना ही हमारा उद्देश्य है। मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं OPS के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि बेशक कांग्रेस OPS को लेकर बयानबाजी कर रही है, जबकि कांग्रेस ने ही OPS को बंद किया था। इसके अलावा विपक्ष द्वारा सदन की कार्रवाई न चलने,
देने को शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल गलत बताया है। वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है और आज जिस प्रकार से महामहिम जी ने अपनी सरकार की सारी कार्य योजना के बारे में जिस प्रकार से आपको बताया, आप सब के सब वहाँ सदन में उपस्थित थे, आप सब ने सुना है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हम देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन की करना चाहते हैं, तो जो केंद्र का बजट है वो भी उसी प्रकार से, और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञों ने इस बात को स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है निश्चित तौर से वो विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की ओर भारत सरकार का कदम है। और उसी दिशा में आज जिस प्रकार से हमने हमारी सरकार की जो कारगुजारी रही है और आने वाले टाइम में जो हम करने वाले हैं, जिसके बारे में माननीय राज्यपाल महोदय ने आप सबके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है, जहाँ 2030 तक हम 30% जो व्हीकल हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करना चाहते हैं, इससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा, जो तेल पर हम खर्च कर रहे हैं उससे बहुत बड़ा बचाव होगा। और इसी प्रकार से जो 1,80,000 से कम आमदन वाले उस गरीब व्यक्ति के लिए जिस प्रकार की चिंता वर्तमान सरकार ने की है, और उनको चाहे उनका आयुष्मान कार्ड है चाहे पीड़ा कार्ड है, उसको दोनों को बढ़ाने का लिए जो काम किया है वो अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसी प्रकार से जिन लोगों की आमदन 1,00,000 से कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टारगेट रखा है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसकी आमदन 1,80,000 से कम हो। वहीं इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में नई अत्याधुनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नई अत्याधुनिक बसों के आने से राज्य की परिवहन व्यवस्था और मजबूत होगी, साथ ही प्रदेश के लोगों को भी और सुविधा मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा रोडवेज और रोडवेज कर्मचारियों को बधाई भी दी। सीएम ने कहा कि 1,000 बसों में से 70 बसें रोडवेज बेड़े में अभी जुड़ी हैं और 31 मार्च तक करीब 400 बसें रोडवेज बेड़े में शामिल हो जाएंगी। वहीं अगले 3 महीनों में पूरी 1,000 बसों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजना 550 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की भी है और इस बसों का ऑर्डर भी दिया गया है। सीएम ने बताया कि पहले चरण में गुरुग्राम और फरीदाबाद में इन इलेक्ट्रिक बसों को चला जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी मिनी बसों की खरीद सरकार की ओर से की जा रही है। रोडवेज के हमारे सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक नया जो बेड़ा हमने लगभग 1,000 बसों की जो हमने खरीद की थी उसके पहली खेप 75 बसों की आज जो है उन्होंने शुरू कर दी है, चला दी है, जिसकी अभी हरी झंडी दे करके जिसको चलाया गया है। और बहुत जल्दी ये बाकी बसें भी बिजनेस में कंपनी द्वारा बात हुई है तो वो जल्दी से शुरू करेंगे। इस 31 मार्च तक ही कितनी 450-400 बसें इस 31 मार्च तक पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर अगले 3 महीने में सारी 1,000 बसें पूरी करके और खुजला दिया जाएगा और इससे जो हमारा जो बेड़ा है रोडवेज की बसों का वो काफ़ी अच्छी संख्या लगभग जो सारे हमारे प्राइवेट मिला करके किलोमीटर से मिला करके ऊपर हो जाएगा और हरियाणा के लोगों को इसकी एक सुविधा मिलेगी। हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर द्वारा नशे के खिलाफ जागरूकता समागम करने का स्वागत किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, आखिरी सांस तक नशे के खिलाफ कदम उठाने का आपका संकल्प सराहनीय और प्रेरणादायी है। समाज में नशे और उसके घातक परिणामों के खिलाफ जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए आपके आह्वान और इस दिशा में सहयोग के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने हिसार में नशे के खिलाफ जागरूकता समागम में शिरकत की और बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए जागरूक किया और नशा मुक्त परिवार रखते हुए नशा मुक्त हरियाणा बनाने का भी आह्वान किया।